हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? आई हो आप सब अच्छे होगे। तो गाइस, आप सभी का स्वागत है पूजा कुकिंग ब्लॉग में। तो गाइस, आज हम बनाने वाले हैं सूजी के गोलगप्पे। तो यहाँ मेरे लिए है 250 ग्राम सूजी। तो गाइस, कुछ चीज़ों को ध्यान रखते हुए चलिए करते हैं बनाना स्टार्ट। तो यहाँ मेरे लिए एक परात और मैं उसके अंदर डाल रही हूँ सूजी। तो यहाँ मेरे लिए है गाइस मोटी वाली सूजी। आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आप जब भी गोलगप्पे बनाओ तो आप बारीक सूजी मत लीजिएगा, मोटी ही सूजी लीजिएगा। तो यहाँ मेरे लिए है 250 ग्राम मोटी सूजी। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी गुनगुना रिफाइंड ऑयल लगभग 50 ग्राम। तो गाइस, मैं इस तरीके से कर दे रही हूँ मिक्स। तो यहाँ पे मैं अब दोनों हाथों की मदद से करूँगी, इसको अच्छे से मिसल दूँगी दोनों हाथों से। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल और ले रही हूँ। मैं दोनों हाथों से मदद से इसे करूँगी अच्छे से मिक्स, इस तरीके से मिसल दूँगी। इस तरीके से हमें बहुत ही अच्छे से मिसलना है ये, जैसे कि ये रिफाइंड ऑयल और सूजी एकदम मिक्स हो जाए। तो गाइस, यहाँ मैंने अच्छे से कर लिया है, इसे मिसल लिया है। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ ठंडा पानी। तो यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा पानी करके ऐड करना है इसमें। मैं यहाँ पे अब गूंथ ले रही हूँ इसे। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से गूंथ रही हूँ इसको, और उसके बाद में हमें से कम 8 से 10 बार पटकना है परात में है, कि जब भी बहुत बढ़िया लोच आएगा इसमें। अच्छे से मैं गूंथ रही हूँ इसको। थोड़ा सा पानी और लिया है मैंने यहाँ पे। तो गाइस, यहाँ पे ये गुज चुका है। अब मैं इसे पटकूँगी परात में इस तरीके से, क्योंकि अच्छा लोच आता है पटकने से भी, जैसे दो भी कपड़े धोता है सेम वैसे ही हमें पटकना है ये। तो इस तरीके से हम पटक लूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एकदम अच्छे से मिक्स हो चुके, पता ही नहीं चल रहा है कि सूजी का आटा है ये। बहुत ही बढ़िया, ना पतला ना टाइट, एकदम नॉर्मल लगना है, जैसे हम रोटियों के लिए आटा लगाते हैं उसी तरीके से। तो यहाँ मैं छोटी छोटी इसकी लोइयाँ बना ले रही हूँ इस तरीके से। बहुत ही बढ़िया छोटी छोटी हमें बनानी है, ना ज़्यादा मोटी ना ज़्यादा पतली, इस तरीके से। तो गाइस, इस तरीके से मैं सभी लोइयों को बना लूँगी, आप देख सकते हैं। तो गाइस, यहाँ मैं सभी फटाफट से लोइयाँ बना लेती हूँ इस तरीके से। गाइस, यहाँ पर हम कुछ लोइयाँ बना ली हैं, हम सभी लोइयों को बना के ही बेलना स्टार्ट करेंगे हम। तो गाइस, यहाँ मैंने कुछ लोइयाँ बना ली हैं, मैं सभी लोइयों को बना के ही बेलना स्टार्ट करूँगी।
तो मैं लोयन नॉर्मल साइज़ की बनानी है, ना ज़्यादा मोटी ना ज़्यादा छोटी, एकदम बीच की। तो गाइस लोयां बन चुकी है, हम करेंगे बेलना स्टार्ट। तो यहाँ पे हमें बेलने के लिए चकला रख दिया और लंबे सेप देना है, हमें गोल नहीं बेल रहे हैं ये। तो यहाँ पे मैं लंबे सेप में बेल ली हूँ इस तरीके से। तो मैं आप फटाफट से बेल लेती हूँ सभी गोलगप्पों को। तो गाइस यहाँ आप देख सकते हैं सभी गोलगप्पे बेल चुके हैं। चलिए यहाँ रख लिया मैंने कढ़ाई, रिफाइंड ऑयल कर लिया है मैंने गरम। तो गाइस यहाँ हमें हल्के हल्के हाथ से दबाते हुए इन्हें सेक लेना है। और गैस को रखा है मैंने हाई फ्लेम पे। तो ज़्यादा हमें डार्क नहीं करना है, बहुत ही हल्का लाइट ब्राउन सेकने हैं हमें। तो फटाफट से सभी गोलगप्पों को लेती हूँ यहाँ पे सेक। बस मैं सभी को सीख चुकी हूँ, सभी गोलगप्पों को बहुत ही हल्का लाइट ब्राउन कलर मैंने सभी के ऊपर दिया है। ज़्यादा डार्क मैंने नहीं सीखे हैं क्योंकि अच्छे नहीं लगते हैं वो। गैस यहाँ सभी गोलगप्पे सूख चुके हैं और मैं गैस को कर देती हूँ ऑफ। तो गैस आप देखेंगे गोलगप्पे सिक के होंगे एकदम रेडी, बहुत ही अच्छा कलर आया है। तो कैसी लगी आपको वीडियो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे मेरी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। थैंक यू।